हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोज 8 या विंडोज 8.1 में मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एक सिंगल वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि हम विंडोज 8 में स्पैन्ड वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्पैन्ड वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको डायनेमिक डिस्क चाहिए, यानी कि उसका डिस्क टाइप डायनेमिक होना चाहिए और इसे एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव्स के डिस्क स्पेस को यूज करके क्रिएट किया जाता है। स्पैन्ड वॉल्यूम हम हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर जो अनएलोकेटेड स्पेस होता है, यानी कि जो किसी भी वॉल्यूम को असाइंड नहीं होता है, उससे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल वॉल्यूम को और डिस्क के ऊपर रखे हुए फ्री स्पेस को यूज करते हुए भी एक्सटेंड करके इसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सिंपल वॉल्यूम सिस्टम वॉल्यूम या बूट वॉल्यूम ना हो। स्पैन्ड वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम दो डिस्क चाहिए जिनका के डिस्क टाइप डायनेमिक हो। अगर आप इसे बेसिक डिस्क के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उससे स्टार्ट हुआ विजर्ड इसके डिस्क टाइप को अपने आप से डायनेमिक में कन्वर्ट कर देता है। आप स्पैन्ड वॉल्यूम को 32 डायनेमिक डिस्क तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आप 32 डायनेमिक डिस्क के स्पेस को यूज करके एक सिंगल वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि स्पैन्ड वॉल्यूम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता है, और अगर स्पैन्ड वॉल्यूम में एक भी डिस्क करप्ट हो जाए तो आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम और उसके ऊपर रखा हुआ डेटा खराब हो सकता है, तो इसके लिए आपको एक अच्छा बैकअप सॉल्यूशन भी साथ में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चलिए अपने विंडोज 8.1 सिस्टम के ऊपर जाकर स्पैन्ड वॉल्यूम क्रिएट करने के स्टेप सीखते हैं। देखिए, मैं उस कंप्यूटर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर विंडोज 8.1 इंस्टॉल्ड है। यहाँ आने के बाद मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे विंडोज या स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करता हूँ। ऐसा करने से कॉन्टेक्स्ट मेनू में एक ऑप्शन आएगी डिस्क मैनेजमेंट, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ऐसा करने के बाद विंडोज की डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके सामने एक पॉपअप विंडो आया है इनिशियलाइज डिस्क। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी अभी मैंने इसमें एक हार्ड डिस्क ऐड की है और उसे विंडोज में रीडेबल बनाने के लिए हमें उसे इनिशियलाइज करना होगा। मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूं और इसके बाद यहां पे देखिए आपको डिस्क 0, डिस्क 1 और डिस्क 2 दिखाई दे रही है। अब आप उन हार्ड डिस्क या उस वॉल्यूम को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप मल्टीपल हार्ड डिस्क स्पेस या पार्टीशंस को कंबाइन करके एक बड़ा और स्पैन्ड वॉल्यूम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इस डिस्क 1 और डिस्क 2 को जोड़ के एक नया वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूं, ताकि एक हमें बड़ा अप्रोक्सीमेटली 140 जीबी का स्पेस मिल जाए। मैं इस हार्ड डिस्क पे राइट क्लिक करता हूं और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से एक ऑप्शन न्यू स्पैन्ड वॉल्यूम पे क्लिक करता हूं। एक विजर्ड आपके सामने स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पे सिलेक्ट डिस्क में डिस्क 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसका मैक्सिमम साइज यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। यहां से आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें से सिर्फ 40 जीबी या 20 जीबी या कुछ भी साइज यूज करना चाहते हैं, उसे आप यहां पे एंटर कीजिए। उसके बाद अवेलेबल डिस्क में डिस्क 2 आ रही है, इसे सिलेक्ट करने के बाद यहां से ऐड कर लीजिए। अगर आप इस डिस्क 2 को पूरा यूज नहीं करना चाहते तो आप इसे सिलेक्ट करके यहां से इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, और अगर आप पूरा डिस्क स्पेस यूज करना चाहते हैं तो इसे एज इट इज रहने दीजिए। ऐड करवाने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। विजर्ड आपसे पूछ रहा है कि इस नए स्पैन्ड वॉल्यूम का ड्राइव लेटर क्या होना चाहिए। अगर आप ड्राइव लेटर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से ड्राइव लेटर अपनी जरूरत के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसे फॉर्मेट किया जाएगा विद NTFS फाइल सिस्टम। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इसके बाद फिनिश पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही एक वार्निंग, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने आई है कि स्पैन्ड वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए आपके डिस्क टाइप को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करना होगा। आप यहां पे ध्यान दीजिए, डिस्क 1 और डिस्क 2 दोनों बेसिक डिस्क हैं, और अगर हम डिस्क स्पैनिंग करवाना चाहते हैं तो हमें इन्हें डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करना होता है, या फिर आपके सामने विजर्ड अपने आप से इसे डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पे एक वार्निंग है कि ऐसा करने से इन डिस्क ड्राइव्स के ऊपर इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई करंट बूट वॉल्यूम है वो ठीक से वर्क करेगा, बाकी दूसरे वॉल्यूम्स के ऊपर इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। तो इन डिस्क के ऊपर कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहां से नो बटन को क्लिक करके सारे प्रोसेस को अंडू कर सकते हैं।
या फिर आप इसे किसी टेस्ट एनवायरनमेंट में पहले टेस्ट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे वर्चुअल बॉक्स में इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से यस बटन पे क्लिक करता हूँ। यस बटन को क्लिक करने के बाद देखिए डिस्क हमारी डायनेमिक में कन्वर्ट हो गई है और 80 GB प्लस 60 GB को जोड़ के एक नया वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग हो रही है और फॉर्मेट होने के बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मेट हो गया है और यहाँ पे हेल्दी लिखा आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ से दिस पीसी को क्लिक करके एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको एक नई ड्राइव या वॉल्यूम जिसका कि ड्राइव लेटर F है दिखाई दे रही है और इसका साइज देखिए अप्रोक्सीमेटली 140 GB है। यूजर के लिए ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है, उसे ये पता नहीं चलता कि ये वॉल्यूम दो या दो से अधिक हार्ड डिस्क को जोड़ के बनाया गया है या ये किसी एक डिस्क पे एक ही पार्टीशन है। क्वेश्चन टाइम, चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि विंडोज 7 में पेंड वॉल्यूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायनेमिक डिस्क कितनी यूज हो सकती हैं? आपकी ऑप्शंस हैं ए 3, बी 32 या फिर सी 30। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 8 या विंडोज 8.1 में मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एक सिंगल वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या दूसरे शब्दों में स्पेंड वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।